वेलकम टू एसएससी वर्ल्ड गाइस। आज हम लोग का कॉमन एरर डे 3 का वीडियो के साथ है। हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर दिन एक कॉमन एरर का स्टेट डालूंगा जहां पे 5 एरर्स होंगे, और वहां पे गोल्डन रूल्स बताऊंगा। वो रूल्स बस आप याद रखेंगे तो आपको पूरे ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ग्रामर पढ़ें तभी रूल पकड़ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस दोस्त, जो मैं रूल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 5 एरर्स के साथ कुछ रूल्स होंगे, बस आप उसे याद रखेंगे और एग्ज़ाम में आप पकड़ में आ जाएगा कि एरर क्या है क्वेश्चन में। ओके गाइस, चले मूव करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू सर्वे द इंटायर प्रोसीड्योर। ओके फ्रेंड्स, आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू सर्वे द इंटायर प्रोसीड्योर। देखिए, जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में देखिए एरर क्या है, आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद रखने होंगे, और ये रूल था कि फ्रेजल वर्ब्स के बाद हमेशा ही वर्ब का ING फॉर्म यूज़ होता है। तो जैसा कि इससे पहले एक बार हम लोग डे 1 वाले क्लास में जब क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन था आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने बताया था कि लुकिंग फॉरवर्ड टू जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, तो उसके बाद जो आएगा वो वर्ब के साथ ING, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा। तो देखिए, SSC में ये जो फ्रेजल वर्ब है उसमें से कुछ बहुत ही बराबर आने वाले क्वेश्चंस हैं, बराबर आने वाले वर्ब्स हैं। जैसे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चंस में यूज किया गया विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, तो इसके बाद जो हमारा जो अगला वर्ब है वो वर्ब के साथ ING होना चाहिए था और वो सर्वेइंग होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू, व्यू टू इज अ फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो वर्ब का ING फॉर्म के साथ आएगा। ठीक है, ये कॉमन रूल है, इससे पहले भी हम लोग किए थे, वहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू यूज़ किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ही लाफ्ड ऑन हर एज सी फेल ऑफ द ट्री। ओके, ही लाफ्ड ऑन हर एज सी फेल ऑफ द ट्री। देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशनल मिस्टेक है कि आपको याद रखना है लाफ के बाद हमेशा ही एट होता है, ऑन हर कभी नहीं होता। ठीक है, लाफ्ड एट हर, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, लाफ्ड ऑन के जगह यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एट यूज़ करेंगे। ओके ओके, डोंट एट, ये एट है, चलिए याद रहेगा लाफ्ड एट हर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द वनली कोर्स ओपन टू मी इज डिसमिस द केस। ठीक है, विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द वनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। देखिए फिर से यहाँ पे ये सारा SSC का फेमस क्वेश्चंस है जो कि बराबर SSC में आते रहा है, और ठीक इसी मिस्टेक के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि विदाउट जो शब्द है हमारे पास जो दिख रहा है विदाउट, इस विदाउट के बाद यू का इस्तेमाल नहीं होता है। वी शुड रिमूव, सॉरी, विदाउट के साथ नो का इस्तेमाल नहीं होता है। वी शुड रिमूव नो फ्रॉम हियर। वाई? क्योंकि विदाउट और नो दोनों निगेटिव सेंस दिखा रहे हैं। विदाउट जैसे रिटर्न बैक कभी साथ में नहीं होता, ठीक है, उसी तरह विदाउट नो जो है कभी साथ में यूज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, ही डिड द जॉब एज बेस्ट एज ही कुड। ही डिड द जॉब एज बेस्ट एज ही कुड। देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ही डिड द जॉब, तो जॉब, अब देखिए ये डिड जब यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो ये तो वर्ब को दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो बोला कि जॉब उसने अच्छा, ही डिड द जॉब एज गुड एज ही कुड, मतलब इतना उतना अच्छा किया जितना वो कर सकता था, मतलब ये जो बेस्ट है फ्रेंड्स ये बस फंसाया जा रहा है आपको, ये बेस्ट एज एडजेक्टिव नहीं यूज किया गया, क्योंकि बोला ही डिड द बेस्ट, मतलब वह जितना अच्छा कर सकता था वह किया, मतलब यहाँ पे एज अ वर्ब यूज करना चाह रहा है, और बेस्ट इज अ एडजेक्टिव, सो वी शुड यूज हियर इन प्लेस ऑफ बेस्ट वी शुड यूज हियर वेल। ओके फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बेस्ट के जगह वेल का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करने की बात कर रहा, और बेस्ट जो है कभी वर्ब के तौर पे यूज नहीं हो सकता, बेस्ट हमेशा ही एज अ एडजेक्टिव यूज हो सकता है, गुड बेटर बेस्ट, दैट्स वाई वी शुड रिमूव बेस्ट फ्रॉम हियर एंड यूज वेल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल में आते हैं, राज वॉज सो ईगर दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन।
राज वाज सो ईगर, इतना उतावला था, इतना इच्छुक था कि उन्होंने उसने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए। देखिए बात समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दो वर्ड्स, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी के, बराबर ये एरर्स आते हैं, ठीक है। ये फेमस क्या है वो ध्यान दीजिएगा, दो शब्द, एक बना है रेज और एक बना है रोज, सॉरी एक बना है राइज और एक बना है रेज, ठीक है। राइज मतलब खुद से, ठीक है, खुद से जब कोई चीज होता है, खुद से उठता है तो राइज, सन राइजेज इन ईस्ट, खुद से उसको कोई उठाता थोड़ी ना है, ठीक है। रेज मतलब कोई और, अगर किसी और के हेल्प से कुछ उठाया जा रहा हो, कोई नया चीज रेज किया है, मतलब जगाया जा रहा हो, उठाया जा रहा हो, ठीक है, तो वहां पे रेज। तो ये जो क्वेश्चंस उठाने की बात जब भी होगी तो वो रेज होगा, तो रेज का जो सेकंड फॉर्म है वो रेज्ड होता है फ्रेंड्स, रेज का जो सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स वो रेज्ड होता है, ना कि रोज। ओके, तो यहां पे रोज नहीं होकर क्या होगा, रेज्ड होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि राइज राइज नहीं है, भीवन जो है यहाँ पे राइज नहीं, राइज रहता है तो रोज होता, सन राइजेस इन ईस्ट कह सकते हैं बट सन रेजेस इन ईस्ट नहीं कह सकते वहां पे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे, सन जो है खुद से उठता है, खुद से जगता है, तो उसके लिए हमेशा राइज होगा नॉट रेज, लेकिन जो किसी और के द्वारा जगाया जाता है, किसी और के थ्रू होता है, वहां पे हमेशा ही हम लोग रेज का इस्तेमाल करेंगे, और रेज का वी टू जो है फ्रेंड्स वो रेज्ड है नॉट रोज, ठीक है। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बराबर आते रहा एसएससी सीजीएल में। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये पांच एरर का प्रॉब्लम जो है क्लियर हुआ। सबसे पहले जब भी आप इस वीडियो को खोलेंगे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन आपके सामने आते ही वीडियो पॉज करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन मेरे एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखे होंगे आप, बार बार इस वीडियो को देख के ये रूल आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।